इस वक्त की बड़ी खबर है कि परिवार के 10 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। नोएडा से दवाई लेकर आने के बाद बुजुर्ग हुआ था कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन द्वारा उसी परिवार के 27 लोगों को किया गया था क्वारंटाइन, जिसमें से 10 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मचा हड़कंप। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में 4 बच्चे भी हैं शामिल। जनपद में लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। हाथरस जनपद में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या हुई 19। जनपद हाथरस में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस की संख्या हुई 15। सर, कितने लोगों की रिपोर्ट आई है, कितने लोग पॉजिटिव मिले? ऐसा है, जो कि कैंसर से पीड़ित थे, नोएडा से कीमोथेरेपी जेपी हॉस्पिटल करा के आए थे, उनके हमने सारे फैमिली मेंबर्स को क्वारंटाइन किया था और उनके फिर सैंपलिंग की गई। सैंपलिंग में उनके परिवार के 10 लोग पॉजिटिव आए हुए हैं। सर, उसमें बच्चे कितने हैं? उसमें 4 बच्चे हैं और ऐसा प्रतीत होता है उनकी जितने सारे परिवार आए, निश्चित रूप से उनकी द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है। सर, इसमें ये बताया गया था कि जो जिनको ज्ञानेंद्र जी को जो क्वारंटीन किया गया था, तो उससे पहले वो नोएडा गए थे, नोएडा से ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद भी प्रशासन ने उनको 24 घंटे बाद क्वारंटीन किया, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है जिला। नहीं, उन्होंने बताया नहीं, तो उन्होंने किया था इसमें दिक्कत है और इस वजह से उनका हमने जांच कराई थी। जब वो पॉजिटिव आ गए तब उनके द्वारा हमारे पास रिपोर्ट दी गई, उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सर, कहीं ना कहीं उनके द्वारा लापरवाही की जा रही, लगातार प्रशासन हम लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। और अब भी मतलब जैसे एक ही परिवार में 10 लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनके द्वारा सोशल डिस्टेंस या होम क्वारंटाइन जो भी नियम है उसका पालन करना।